जो घटना घटी जो परिवार ने ही जो मुलजिम था उसको पेश कर दिया और उसके बाद उसके साथ गोली मार के पैर में उसको मुठभेड़ दिखा के अरेस्ट करने का जो काम करा और उस परिवार से जो 10 लाख रुपए लेके जुलम करा उस विषय में जिस प्रकार का धरना प्रदर्शन चल रहे हैं माननीय अनिल विज गृह मंत्री से भी मिला, DGP हरियाणा पुलिस से मिला कि इस प्रकार के जाति जुलम करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया जल्दी ही इसकी इंक्वायरी करके दोषियों को कड़े खड़ा करके उनको सजा दिलाने का काम करें। मैं तो उठी रहती हैं, पहले भी घटना घटी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो दोषी हो उसको सजा जरूर मिले, उसको किसी प्रकार की माफ़ी ना हो, जिससे आने वाले दूसरे भी सबक सीखें और इसको बेहतरीन व्यवस्था पर हो, इसलिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास कि लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखना, अपनी लड़ाई लड़ना अपना धर्म है, कर्तव्य है और उसका चाहे ऊपर तक जाना पड़े चाहे कुछ भी जाना पड़े, लेकिन न्याय मिलना चाहिए, ये जरूरी है, इसलिए न्याय मिलेगा। तो जो इनसे बात हुई कि उन्होंने कहा कि वो दफ्तर के अंदर वहाँ धरने की जगह नहीं है, इसलिए इनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है और जिस प्रकार की व्यवस्था लगातार चल रही है लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार अपनी बात रखने का, अपनी बात रख ले। मंत्री से मुलाकात की थी, क्या कुछ मांग रहे हैं? मंत्री भी सदी इधर जो दोषी है उसके खिलाफ एक्शन हो, उसके खिलाफ FIR हो और जिनके साथ 10 लाख रुपए लूट हुई है उनको वापस की रिकवरी होनी चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए। क्या आश्वासन दिया गया कोई SIT वगैरह? उन्होंने कहा कि दोषी चाहे कोई हो इसकी इंक्वायरी करके कटघरे में खड़ा किया जाएगा।